पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने व्यापारियों के साथ उनकी समस्याओं को त्वरित गति से निस्तारण के लिए एक बैठक की। बैठक में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ को और अत्यधिक प्रभावी बनाए जाने और व्यापारियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में अलग अलग व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी व व्यापारी मौजूद रहे। इलीगल रूप से उसने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है दुकानदार से, देसी थाना वाले दुकान से, के सामने नहीं उसके बगल अंग्रेजी शराब की दुकान है सामने लगाता है और साइकिल वाले और अंग्रेजी शराब सरकार ने एक नियम निकाला की उसकी नेटवर्क 5 जो अंग्रेजी शराब की दुकान है और बगल में देसी शराब की दुकान है वह वहाँ के लिए लिया गया है न कि साफ़ में होना चाहिए। मुझे आप बताएंगे मेरा खुद शराब का ठीका था मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ जिसमें चाल क्या है यानी वो बोला अभिप्राय जो है जिसे वहाँ की जो आपने कहा इतनी बड़ी फाइट नहीं अगर देखिए लगभग मैं जहाँ पैसा लेकर के काम करते हैं रिपोर्ट लगा दे राजेश तो फिर जनरल अपने जो दूसरे का जो लगता है वो बहुत प्रभावशाली है शायद आपके विभाग में बहुत प्रभावशाली है उसी बटालियन में ट्रैक्टर से आप लगे हैं तो इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने बताया जो अभी बैठक कर रहा हूँ वो ये व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक है। हर माह ये बैठक आयोजित की जाती है ये शासन की मंशा के अनुसार हमारे पुलिस महानिदेशक की मंशा के अनुसार और इसमें व्यापारी बंधु इकट्ठा काफी मात्रा में है इसमें और अपनी अपनी समस्याओं के बारे में बता भी रहे हैं जो आए दिन आने जाने में या जो भी इनको रोजाना दिक्कतें सामने आ रही हैं खासतौर से यातायात के संबंध में और ये खोमचा लगाने के संबंध में इस तरह से बहुत ढेर सारी बातें बता रहे हैं जो इसका निस्तारण करने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि व्यापारी हिस्से संबंधित जो भी मामले हैं उसको हम लोग अपना टेकअप करते हैं और उसका निस्तारण करने का पूरा भरसक प्रयास करते हैं संबंधित को बताया भी जाता है। सर किस तरह के मामले ज्यादा आ रहे हैं? नहीं बता दिया मैंने बता दिया खास तौर से मतलब ये सर व्यापारी बंधु को ज्यादातर सुरक्षा की दृष्टि से जो मामले बैंक आने जाने या किसी में उस पर क्या असर चलता है? नहीं व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की ही बैठक है ये जो भी बातें खास सुरक्षा से संबंधित जो भी बातें यहाँ सामने लाई जाती हैं और ये इनके व्यापारी हित के संबंध में भी खासतौर से सुरक्षा और हित के संबंध में तो यही सब बातें हम लोग अपना चर्चा करते हैं इसका समाधान करने का प्रयास करते हैं।